नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टू बी बिजनेसेस में। दोस्तों, एक नई अपडेट नई वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोहा मंडी के अंदर कैसा कामकाज देखा जा रहा है, कब मार्केट के अंदर आज कैसा रेट देखे जा सकते हैं, कितने तक मार्केट डाउन जा सकती है और अगर मार्केट में तेजी आए तो कितना ऊपर तक मार्केट अप हो सकती है। तो दोस्तों, लगातार पिछले कुछ दिनों से, लगातार 10-20 दिनों से लगभग मार्केट के अंदर गिरावट जारी है, जो कि एक पैनिक सिचुएशन बन गई है मार्केट के अंदर, एक चिंता का विषय बन गया है कारोबारियों के अंदर, क्योंकि कारोबारियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है और लेन देन भी रुक रखा है मार्केट के अंदर। माल आए खरीदे नहीं जा रहे हैं, माल सबके स्टॉक में पड़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट में कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि मार्केट ऊपर जाने के आसार दिख रहे हैं। इसी सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि कब तक मार्केट ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, हम इस चीज़ का कोई आपसे चार्ज नहीं लेते, बस आपसे इतना सपोर्ट मांगते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, मित्रों को, अपने साथियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी आगाह रह सकें आगे मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, किस तरीके से मार्केट काम कर रही है अभी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले बीते दिन मंडी गोविंदगढ़ में भी गिरावट देखी गई। 700 रुपये की गिरावट से मार्केट क्लोज हुआ। 700 रुपये की गिरावट के साथ इंगट का जो भाव जो क्लोज होने का है वो 43,300 रुपये पे इंगट आगे क्लोज हो गया। वहीं बात करें स्क्रैप की, तो स्क्रैप के अंदर भी 700 रुपये की गिरावट देखी गई और 700 रुपये की गिरावट के साथ मार्केट 31,800 रुपये पे आगे क्लोज हो गया। दोस्तों, बात करें परसों की, तो परसों मार्केट के अंदर 1,100 रुपये की गिरावट आई और कल 700 रुपये की गिरावट आई। ये काफ़ी भयंकर सिचुएशन है कि मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें आ रही हैं। लोहे बाजार के ट्रेंड के बारे में, तो लोहा बाजार का ट्रेंड डाउन चल रहा है, काफ़ी डाउन चल रहा है और आशंका है कि अभी कुछ टाइम तक रेटों की बढ़ने की संभावना नहीं है। ये हम 100% श्योरिटी नहीं देता हमारे चैनल की, जो हम कहते हैं वही सही होगा, हम सिर्फ आपको प्रिडिक्शन बता सकते हैं कि आगे संभावना क्या हो सकती है। तो दोस्तों, बात करें आज की मार्केट की, मार्केट को शुरू होने से पहले हमने जो आपके लिए स्टडी करके लेके आए हैं वो चीज़ बताते हैं आपको कि आज मार्केट में रेटों के बारे में क्या रह सकता है मार्केट। बात करें इंगट के बारे में, मंडी गोविंदगढ़ के अंदर, तो अगर मार्केट के अंदर उछाल देखा जाता है आज मार्केट में, तो इंगट में जो रेट ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं वह हैं 44,200 रुपये पर लीटर। और वहीं अगर मार्केट के अंदर गिरावट देखी जाती है तो इंगट का आज का जो भाव जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा नीचे 42,500 रुपये पर लीटर। वहीं दोस्तों, अगर बात करें स्क्रैप की, तो स्क्रैप इंगट के अंदर 11.5 रुपये का अंतर होता है, 11.5। दोस्तों, अब बात करते हैं स्क्रैप के बारे में। अगर मार्केट के अंदर बढ़ोतरी देखी जाती है स्क्रैप मार्केट के अंदर, तो कहाँ तक जो रेट है स्क्रैप के वो कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, तो 32,700 रुपये प्रति टन तक जा सकते हैं स्क्रैप के भाव। वहीं अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है और गिरावट में कहाँ तक नीचे जा सकते हैं रेट, तो 31,000 रुपये प्रति टन तक नीचे जा सकते हैं स्क्रैप के आज के भाव। तो दोस्तों, बात करें ट्रेंड की कि क्या ट्रेंड चल रहा है लोहा मार्केट का और इंगट मार्केट का, तो काफ़ी लोअर ट्रेंड चल रहा है इंगट और लोहा मार्केट का दोनों का। बात करें क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं जो रेट कम हो रहे हैं। बात करें विदेश मार्केट चाइना के बारे में, घरेलू बाजार के बारे में, तो वायर रोड, HRC और आयरन की कीमतों में कल गिरावट देखी गई, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है, भारत पे पड़ रहा है, जिसके कारण भारत के अंदर गिरावट देखी जा रही है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट देखी जा रही है। बात करें ब्रांडेड सरियों के बारे में, तो कल ब्रांडेड सरियों के अंदर 200 से लेकर 1,000 रुपये तक गिरावट देखी गई। इसके अंदर भी काफ़ी चिंता का विषय बन रखा है सरिया मार्केट के अंदर, कि सरिया के अंदर लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे काफ़ी नुकसान में है व्यापारी। बात कर लेते हैं मेटल मार्केट के बारे में, तो मेटल मार्केट में भी कल नरमी देखी गई। कल ज़्यादा खास चढ़ाव नहीं देखा गया, सिर्फ निकल के अंदर तेजी देखी गई और सभी मेटलों के अंदर कल गिरावट देखी गई। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ नॉलेज मिली हो कि कैसा मार्केट रहेगा और कैसा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, कैसे लेन देन हो रही है मार्केट के अंदर। आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट अभी और भी नीचे जा सकती है, यह आशंका है हमारी, तो अपना लेन देन, अपनी खरीदारी अपने हिसाब से करिए। इसी के साथ वीडियो में लेते हैं हम अलविदा। धन्यवाद हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए, हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है कि हम नई नई वीडियो हम बना पाएं आपके लिए नॉलेज लेके आ पाएं।